बिग ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कराया है, अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर केस दर्ज कराया है। सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी का आरोप लगा है और लॉकर से भी चोरी करने का आरोप है। मथुरा गेट थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कराया है। सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी का उन्होंने आरोप लगाया है और लॉकर से भी चोरी करने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। मथुरा गेट थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने ये मामला दर्ज कराया है, अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी किए गए हैं, उसी का आरोप लगा है और लॉकर से भी चोरी करने का आरोप है। मथुरा गेट थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, यहां पर विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पर ही चोरी का आरोप लगा दिया, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल, मथुरा गेट थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है। गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है और सोने चांदी सोने के जो जेवरात हैं उनके सहित ये मारपीट का जो मामला है वो दर्ज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि पुलिस इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी जा रही है। जो थानाधिकारी है, मथुरा गेट थानाधिकारी करण सिंह राठौड़, उनका कहना है कि कंट्रोल रूम द्वारा जो जानकारी है वो उसके आधार पर खबर प्रकाशित करें, उनके द्वारा कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही। जबकि ये गंभीर मामला है, इसमें पहले भी कई बार ये मामला पूर्व राजपरिवार का सामने आया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को पुलिस छिपा रही है। कोई भी इसमें जो तथ्य हैं वो सामने अभी तक नहीं आ पाए। FIR रात को ही दर्ज करा दी गई। FIR के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो अब की जा रही है। कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया। इससे पहले भी SDM ट्रिब्यूनल कोर्ट में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा जो परिवाद दिया गया था उसमें कई सुनवाई हुई और सुनवाइयों के बाद अब 12 जून को उसमें फैसला आना है, वो भी अभी बाकी है। उससे पहले देर रात को ये एक नया मोड़ जो है सामने आया, जिसमें अब जो FIR है वो दर्ज कराई गई है। रात को ये FIR दर्ज हो गई, उसमें पूरे मामले की जो जानकारी है अब वो पुलिस द्वारा जुटाई जा रही है और पूरी कार्रवाई जो पुलिस द्वारा आगे की है वो की जाएगी। जी ठीक है, दीपक आप कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या अभी उनके पत्नी दिव्या सिंह की तरफ से कोई बयान सामने आया है, उन्होंने कुछ कहा है? देखिए अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि सुबह जैसे ही FIR के मामले में पता लगा तो जिस तरीके से पुलिस जो है इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्यों पुलिस इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों से भी बात हुई तो वो भी इस मामले में कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी क्या चल रहा है इसको लेकर के कोई बताया जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन ये हो गया है कि FIR रात को ही दर्ज हो गई थी और कई धाराओं के तहत जो FIR है वो दर्ज की गई और उसमें पुलिस ने अपनी जो जांच है वो भी शुरू कर दी है। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको भरतपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि मथुरा गेट थाने में ये पूरा मामला दर्ज हो चुका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जो है वो मामला दर्ज कराया है, अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध पर ही उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी का ये आरोप है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं परिवार की ये तस्वीर भी निकल करके सामने आई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और यही कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो लॉकर से भी चोरी करने का आरोप जो है वो लगा है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, तभी इस पूरे मामले में जो है क्लियर होगा कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री जो विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी ही पत्नी पर चोरी का आरोप लगाया। उनका कहना है सोना सहित हीरे जवाहरात चोरी किए गए, लॉकर से भी उन्होंने कहा है कि चोरी की गई है। तो पुलिस में मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट मिल रही है। NDA के दलों को मिलेगा कैबिनेट में मौका। आपको बता दें कि RLT के जयंत चौधरी जो है वो मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। अनुप्रिया पटेल फिर जो है वो मंत्री बन सकती है। JDU कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। JDU के ललन सिंह, संजय झा मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि JDU के कौशलेंद्र कुमार, रामनाथ ठाकुर मंत्री बन सकते हैं। ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं,
इनको मंत्री बनाया जा सकता है। जीतनराम मांझी, चिराग जो है वो भी मंत्री बन सकते हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू जो है मंत्री बन सकते हैं। शिंदे गुट के प्रताप राव जाधव और श्रीरंग बर्ने जो है वो मंत्री बन सकते हैं। ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं ये वो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। धैर्यशील संभाजीराव माने नरेश महस्के भी जो है वो मंत्री बन सकते हैं। ये जो नाम हम आपको बता रहे हैं इनकी रेस सबसे ज्यादा नामों में चर्चा है, सबसे ज्यादा चल रही है, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है और लगातार अब मंत्रिमंडल को लेकर के हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और उसी को लेकर के सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। वो नाम जो कि चर्चाओं में सबसे आगे चल रहे हैं, रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी मंत्री बन सकते हैं। अनुप्रिया पटेल जो है वो फिर से मंत्री बन सकती हैं। तस्वीर देखिए आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ये लोग बैठे हुए नजर आए और सबसे ज्यादा जो है चर्चा इन्हीं नामों की चल रही है। जेडीयू कोटे से अगर हम आपको बता दें तो पांच मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि पांच मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा जो है वो मंत्री बन सकते हैं। तो नाम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब कल बैठक हुई थी तो तमाम यहां पर जो नेता वो नजर आए और ये कहा जा रहा है कि इन्हीं में से कई सारे ऐसे नाम हैं चर्चाओं में सबसे आगे चल रहे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। और दिल्ली में कांग्रेस की दो बड़ी बैठक, आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी इसमें मौजूद, नेता प्रतिपक्ष जो है टीकाराम जूली और सचिन पायलट भी इसमें जो है मौजूद है, ये भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। तो दो बड़ी बैठक जो है वो चल रही है, प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा इसमें मौजूद, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट भी ये कहा जा रहा है कि इसमें मौजूद रहेंगे। तो शाम 5:30 बजे जो है ये बैठक बताई जा रही है और हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि इसमें चिंतन मंथन भी किया जाएगा कि जिस हिसाब से जो सीटें मिली हैं कहां पर जो है चूक हुई है और कहां पर जो कहा गया था लगातार कि यहां पर जो है जीत हासिल की जाएगी वहां पर जीत हुई है, तो इसको लेकर के चिंतन मंथन आज जो है वो किया जाएगा। और इसमें जो है देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता वो इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे। तो शाम 5:30 बजे संसदीय दल की ये बैठक होगी और इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस की ये दो बड़ी बैठक काफी महत्वपूर्ण। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, ये बैठक क्या शुरू हो चुकी है? तमाम बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के इसमें शामिल, अभी अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण क्योंकि तमाम जो नेता हैं इस बैठक में शरीक होने के लिए दिल्ली के अशोका होटल में आना शुरू हो गए हैं। राजस्थान के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि जिस प्रकार से परफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में किया उसके बाद अपनी लीडरशिप को तमाम तरीके की चीजें रूबरू करवाई जाएंगी, पूरी रिपोर्ट दी जाएगी और इसीलिए राजस्थान के जो दिग्गज नेता जो सीडब्ल्यूसी में शुमार हैं वो भी दिल्ली के अशोका होटल में पहुंच गए, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए हैं और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इस बैठक में शरीक होने के लिए दिल्ली के अशोका होटल का मौजूद है। सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होने से पहले प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा में अलग से मंथन भी हुआ है कि राजस्थान का क्या कुछ स्टैंड इस बैठक में रखा जाए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आज की है कई मायनों में, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट राजस्थान की कांग्रेस ने किया है क्योंकि पिछले दो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अगर हम देखें तो खाता भी नहीं खोल पाई थी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 11 सीटों की बढ़त इंडिया अलायंस ने बनाई है ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा अचीवमेंट है। स्वाभाविक तौर पर आज जो कांग्रेस मजबूती से देश में उभर रही है उसमें राजस्थान का बड़ा योगदान है, इसलिए राजस्थान का अचीवमेंट
कांग्रेस की लीडरशिप को बताना और उसका फायदा लेना कहीं ना कहीं राजस्थान की चाहेगी। और निश्चित रूप से आज जब सेंट्रल हॉल में संसद भवन में जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी संसदीय दल की, तो उसमें भी निश्चित रूप से ये जो तमाम सांसद पहुंचेंगे राजस्थान के नवनिर्वाचित, तो वो भी इस प्रकार की बात को मुखरता से रखेंगे। बिल्कुल, कई मुद्दों पर बातचीत भी इस बैठक में होने वाली है। लखबीर, ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा, वो भी नाम सामने आएगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से लोकसभा में कौन कांग्रेस संसदीय दल का नेता हो, नेता प्रतिपक्ष कौन बनाया जाए, इसको लेकर इस बैठक में निश्चित रूप से मुहर लग सकती है। और इसी बैठक में तय होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की जो संसदीय दल है उसका नेतृत्व संसद भवन में कौन करे, क्योंकि एक धड़ा है जो बड़ी मजबूती से इस बात को उठा रहा है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाए। और हमने अभी देखा भी जब अशोक होटल के बाहर कुछ लोग हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हैं और साफ तौर पर उन पर लिखा हुआ है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाए। ऐसे में निश्चित रूप से लॉबिंग की जा रही है। हालांकि नेता विपक्ष चुना किसे जाएगा इस पर सभी की निगाहें हैं, और सीडब्ल्यूसी की बैठक में निश्चित रूप से इस बात पर मुहर भी लगेगी और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिरकार किसे सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस का नेता विपक्ष चुना जाए। बिल्कुल लखबीर, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की ये दो बड़ी बैठक सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा भी की जाएगी और चर्चा विमर्श भी किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज कांग्रेस संसदीय दल के चेयरपर्सन का चुनाव होगा। इसके लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शाम 5:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में चेयरपर्सन को चुनने के लिए पार्टी सांसद फैसला लेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाने की मांग भी की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता का पद मतलब नेता विपक्ष होगा, यानी नए सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष लोकसभा बनाए जाने की मांग कर सकते हैं। और यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा संसदीय दल की आज बैठक। आपको बता दें कि 11:30 बजे सपा ऑफिस में यह बैठक होने जा रही है। नए सांसदों के साथ अखिलेश यादव ये बैठक करेंगे। रविवार को हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा होगी। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर बधाई देने आने वाले सपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसदों से उन्होंने मुलाकात की। तो आज जो है ये सपा संसदीय दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नए सांसदों के साथ अखिलेश यादव ये बैठक करेंगे और यहाँ पर चर्चा विमर्श भी किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है यूपी में बंपर सीट जो है सपा जीती है और उसको लेकर के अब ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नए सांसदों के साथ जो है अखिलेश यादव ये बैठक करेंगे। 11:30 बजे का ये समय बताया जा रहा है। और देखिए सीडब्ल्यूसी की ये बैठक और तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीधे लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली से, जिसमें ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आपको नजर आ रहे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की दो बड़ी बैठक देखिए आज होने वाली है और पहली बैठक की तस्वीर सामने आई है। आप देख पा रहे हैं कि ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीर निकल करके सामने आई है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये सीधे लाइव तस्वीर है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता इस बैठक में शामिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तस्वीर देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए राहुल गांधी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो नजर आ रही हैं। तमाम बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं वो इस बैठक में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है और दो बैठक आज होनी है। पहली बैठक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की दो बड़ी बैठक बताई जा रही है। एक बैठक जो है वो शाम बताई जा रही है और देखिए अभी जो बैठक वो
शुरू हो चुकी है दिल्ली से। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की ये बैठक है। तमाम बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कई विषयों पर इस पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं इस पर बैठे अपनी राय देते हुए नजर आएंगे और कई तरीके के चर्चाएं इसमें की जाएगी लगातार। अब ये भी कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष किसको चुना जाएगा। लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, उन्होंने यही बताया है कि वहां पर कुछ लोग जो है तख्तियां लेकर के बाहर खड़े हुए नजर आए, पोस्टर लेकर के खड़े हुए नजर आए और उनका यही कहना है कि राहुल गांधी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो कई इस पे चर्चा होने वाली है। दिल्ली से जो लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर पहले भी दिखा रहे थे उसमें आप देख पा रहे थे कि तमाम कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी देखिए आपको नजर आ रहे हैं, उनके बगल में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं और बातचीत करते हुए जो है राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। प्रभारी सुजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी देखिए इस बैठक में शामिल होते हुए। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि इस बार राजस्थान में भी कांग्रेस का खाता खुला है। तो इसमें चर्चा विमर्श भी होगा, क्योंकि एक अच्छी जीत जो है कांग्रेस ने हासिल की है और तमाम जो बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, सबके चेहरे पर एक खुशी भी नजर आ रही है। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये बैठक आप देख पा रहे हैं कि शुरू हो चुकी है और तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा की जाएगी। आप देखिए तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के लिहाज से आपको बता दें कांग्रेस को वहां पर 6 सीटें मिली हैं और अगर हम और राज्यों की बात कर ले तो वहां पर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल जो तस्वीर देखिए उसमें ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, तमाम जो बड़े कद्दावर नेता है वो पहुंच चुके हैं, प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजो और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ इसमें शामिल होंगे। जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल होंगे तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त में मैं जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वो इस इलाके में है और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान हैं, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है, तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की, बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए इस मामले पर भी खास नजर होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख
को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर तैयारी की जा रही है, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बड़ा फैसला। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के यह बड़ा कदम है। दिल्ली में 9 और 10 जून को नो फ्लाइंग जोन रहेगा। ड्रोन और छोटे साइज के विमान के इस्तेमाल पर रोक रहने वाली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर के यह बड़ा कदम है। दिल्ली में 9 और 10 जून को नो फ्लाइंग जोन रहेगा और ड्रोन और छोटे साइज के विमान के इस्तेमाल पर जो है वो रोक रहने वाली है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है, 9 और 10 जून को नो फ्लाइंग जोन जो है वो रहने वाला है। ड्रोन और छोटे साइज के विमान के इस्तेमाल पर जो है वो रोक रहने वाली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसदों के साथ जो है वो ममता बनर्जी बैठक करेंगी। कोलकाता में शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। ममता बनर्जी बैठक में देखिए रहेंगे, साथ ही राज्यसभा सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। बंगाल में टीएमसी ने 29 सीटें जीती है और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सांसदों के साथ जो है वो ममता बनर्जी आज बैठक करने वाली है। ये बताया जा रहा है कि कोलकाता में शाम 4 बजे ममता बनर्जी मीटिंग करेंगे और बैठक में राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। बंगाल की अगर हम बात कर ले तो टीएमसी ने यहां पर 29 सीटें जीती है, तो जाहिर सी बात है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और सांसदों के साथ ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी। कोलकाता में शाम 4 बजे ममता बनर्जी ये मीटिंग करने वाली है और इस बैठक में राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर के 355 युवा भारतीय सेना में अफसर बन गए। इस दौरान विदेशी मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट भी पास आउट होकर के अपने देश की सेना में अफसर बनेंगे। पासिंग आउट परेड में युवा अफसरों का हौसला देखते ही बन रहा था। कैडेट चैडवुड ड्रिल स्क्वायर पर कदम ताल करते आए तो सामने दर्शक दरगाह में बैठे परिजनों ने उनका हौसला अफजाई किया। आपको बता दें कि आईएमएस से कसम परेड के बाद सेना में बतौर लेफ्टिनेंट सेवा का पहला कदम यहां से भरकर निकले और आईएमए के पास आउट होने वाले कुल 394 कैडेटों में 39 विदेशी कैडेट होंगे। 355 भारतीय कैडेट सेना के अलग अलग कोर से जुड़ करके देश के हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। परेड की सलामी उत्तरी कमांड के जीसीओसी ले जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार ने ली। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने जो है तैयारी शुरू कर दी है। सिंबल के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन मांगे हैं और इस साल अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, जल्दी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस साल अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो अपडेट है वो यही है कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के संकेत दे दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन भी मांग लिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट दिल्ली से, जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। देखिए अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के संकेत दे दिए गए हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे 100 गांव 100 खबरें।